दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे दांत जो हैं हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। मजबूत और सफेद दांत चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यदि यह साफ और मजबूत ना हो तो खाना खाने में भी तकलीफ होने लगती है, इसलिए इन्हें रोजाना साफ करने की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत से लोग ब्रश करना पसंद नहीं करते और गुटखा पान तंबाकू वगैरह खाते रहते हैं। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद ठीक से कुल्ला भी नहीं करते, जिस वजह से उनके दांत पीले, गंदे और सड़ने लगते हैं और उनके दांतों में बैक्टीरिया भी पनपने लगती है और समय के साथ साथ दांत झड़ने लगते हैं, यानी कि बुढ़ापा से पहले ही दांत सड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से मुंह में बदबू भी आ जाती है, इस कारण किसी से बात करने में भी परेशानी होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको दांतों को साफ करने के लिए एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके दांतों की सड़न, बैक्टीरिया और पीलापन तीनों ही दूर हो जाएगा और इसे बनाना बेहद ही आसान है। आपको यह उपाय सिर्फ दिन में 2 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि पुदीन हरा, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच नारियल का तेल। यहाँ पर मैं पुदीन हरा लिक्विड यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो मेडिकल से पुदीन हरा की गोलियां मिलती है वो ले आना, उसके अंदर जो तेल लिक्विड होता है उसे निकाल लेना। चलिए अब इसे कैसे रेडी करना है जरा वो देख लीजिए। इसमें आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिए। बेकिंग सोडा आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा और पुदीन हरा लिक्विड का 1/2 चम्मच ले लीजिए और उसमें मिलाना है हमें 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल हमें शुद्ध वाला ही उपयोग करना है और इसके अलावा आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी फ्लेवर वाला टूथपेस्ट ले सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो उसे ले लीजिए। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये पेस्ट गाढ़ा हो जाए तब ब्रश के ऊपर लगाकर आप इस पेस्ट से रोजाना ब्रश करें। ये सभी चीजें प्राकृतिक चीजें हैं जो आपके दांतों को प्राकृतिक रूप से फायदा पहुंचाते हैं, दांतों की सड़न, बदबू और पीलेपन से आपको निजात दिलाते हैं। नारियल का तेल, हल्दी और पुदीन हरा आपके दांतों में पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है, जबकि बेकिंग सोडा दांतों पर चढ़ी पीली परत को निकालकर उन्हें चमकाने का काम करता है। तो दोस्तों आप इसे जरूर उपयोग करके देखें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए।